नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। अपना उत्तराखंड में खबरों का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदारनाथ दौरा फाइनल हो चुका है। जी हां, पीएम मोदी 7 अक्टूबर को केदारनाथ पहुंचकर वहां पर दर्शन करेंगे और 7 अक्टूबर को पीएम के संवैधानिक पद से 20 साल पूरे होने पर वो पूजा अर्चना भी करेंगे। वहीं पीएम ने 7 अक्टूबर 2001 में गुजरात के सीएम पद की शपथ ली थी। बता दें, पीएम मोदी सरकार चलाते हुए 20 साल पूरे होने पर केदारनाथ जा रहे हैं, जिसके बाद वो वहां पर पहुंचकर पूजा अर्चना करेंगे। केदारनाथ में दर्शन और ऋषिकेश एम्स में ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण भी करेंगे। वहीं जॉली ग्रांट एयरपोर्ट का नया टर्मिनल का लोकार्पण भी पीएम मोदी करेंगे। इसके अलावा ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे परियोजनाओं का भी स्थलीय निरीक्षण कर सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर को केदारनाथ जाएंगे और उनका फाइनल पूरा ये दौरा हो चुका है। पीएम मोदी 7 अक्टूबर को केदारनाथ पहुंचकर वहां पर पूजा अर्चना करेंगे। इसके साथ ही एम्स ऋषिकेश में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री की तरफ से किया जा सकता है। बता दें आपको, इससे पहले 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ गए थे, जिसके बाद एक बार फिर अब 7 अक्टूबर को प्रधानमंत्री केदारनाथ पर में जाएंगे और वहां पर जाकर पूजा अर्चना भी करेंगे। प्रदेश कांग्रेस की रात्रि चौपाल कार्यक्रम आज से शुरू होने जा रहा है। बता दें, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह आज डोईवाला विधानसभा में रात्रि चौपाल करेंगे और डोईवाला के थानों में वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे। साथ ही 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भी भरेंगे। दस अक्टूबर को शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे श्री हेमकुंड साहिब के कपाट। जी हां, अभी तक 5,000 से ज्यादा श्रद्धालु श्री हेमकुंड साहिब पहुंचे हैं और श्री हेमकुंड गुरुद्वारा ट्रस्ट गोविंद घाट के मुख्य प्रबंधक सरदार सेवा सिंह ने ये तमाम जानकारी दी है। ऐसे में कोरोना महामारी के चलते श्री हेमकुंड साहिब के कपाट इस साल देर में खुले थे, जिसके बाद अब 10 अक्टूबर को बंद हो जाएंगे। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में अब कुछ ही महीने बचे हैं, जिसको लेकर प्रदेश में इन दिनों सियासी माहौल गर्माया हुआ है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गौतियाल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पीठ सैंड दौरे को लेकर बड़ा बयान दिया है। गणेश गौतियाल ने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पीठ सैंड की जनता से माफी मांगनी चाहिए। बता दें कि रक्षा मंत्री आज नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की मूर्ति को उनके स्मारक द्वार का उद्घाटन करने पीठ सैंड पहुंचे हैं। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गौतियाल ने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को जनता से माफी मांगनी चाहिए कि उनकी सरकार के मंत्री ने लोगों को झूठी आस दी और झूठी घोषणा की। उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह पीठ सैंड पहुंच तो रहे हैं। उन्होंने रक्षा मंत्री को सलाह दी कि वो आज खुद कोई झूठी घोषणा ना करें, वहीं कहे कि जो वो पूरा कर सके। ऐसा है कि इससे ठीक 5 साल पहले परिकर जी भी पीठ सैंड में आए थे और उस समय वो रक्षा मंत्री थे। रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने ये घोषणा की थी, तब से भी उनको तब भी लाए थे और ये घोषणा की थी कि वहाँ पर सैनिक स्कूल का निर्माण होगा। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आज 5 साल से अधिक समय बीतने के बाद अब उन्हें अब तक वो घोषणा याद नहीं है। एक कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई उस घोषणा पर आज। अब राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री के रूप में वहाँ राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं। हो सकता है कि फिर चुनाव को प्रभावित करने के दृष्टि से कुछ घोषणा करें, लेकिन
इन घोषणाओं से लोग अब प्रभावित होने वाले नहीं हैं, लोग इनकी असलियत को समझ गए। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा के लिए राज्य सरकार की तरफ से ई पास की व्यवस्था तीर्थयात्रियों के लिए आफत का सबब बन गई है। तीर्थयात्रियों का कहना है कि बद्रीनाथ यात्रा मार्ग पर जहां ऋषिकेश से पांडुकेश्वर तक ई पास को लेकर कोई पूछताछ नहीं की जा रही, तो वहीं पांडुकेश्वर में ई पास न होने पर प्रशासन ने उन्हें बद्रीनाथ जाने से रोक दिया है, जिससे बाहरी राज्यों से आए तीर्थयात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ दिल्ली, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात से आए यात्री बेहद परेशान है और लगातार हो इन दिक्कतों की वजह से यात्रियों में भी नाराजगी है। यात्रियों का कहना है कि चारों धाम की यात्रा शुरू तो कर दी गई, लेकिन व्यवस्थाएं अभी भी ठीक होनी बाकी हैं। कम से कम बद्रीनाथ आने के लिए 18 जगह चेकिंग हो रही है। आप हमें ये कह रहे हैं कि ऋषिकेश में चेकिंग कीजिए, आप ई पास देखिए, अगर नहीं है तो उन्हें वहां से लौटा दीजिए, भेजिएगा मत, क्योंकि जो यात्री वहाँ से परेशान होकर चला जाएगा वो पास में 30 किलोमीटर की दूरी पे, अब यहाँ 300 किलोमीटर आकर के वो गाड़ी का पूरा हर्जाना भर रहा है, ठीक है, दुखी भी हो रहा है, यहाँ होटल का भी दे रहा है। और सरकार को जो करना है भाई, यहाँ पर ऑन द स्पॉट आप लेके बैठिए, लैपटॉप ऑन द स्पॉट ही बनाइए, आप अपने कर्मचारी बढ़ाओ, कर्मचारी बढ़ाइए, अपने आप ये नहीं घर बैठ के बुक कर रहे हैं भाई, वो घर एक बंदा घर बैठ के बुक कर दिया और जो यहाँ पर आप बेचारा वो परेशान है, और बात करते हैं तो ऐसी चीज जाते हैं कि जैसे हम ये बद्री केदारनाथ को हम लूटने आए हैं, हम आतंकवादी हैं, इस तरह का बर्ताव करते हैं, हम पुलिस बुला के आपको जेल में बंद कर देंगे, आपके आपके ऊपर केस करेंगे, आप हाईकोर्ट में जवाब देना, हम रहते हैं गुजरात में, हम हमको ऐसा डर डालते हैं हमारे ऊपर। सुबह 7 बजे और पुलिस वाला अपना नाम एंट्री कर दिया, 4 बजे आए बोलो, 4 बजे आया था, 4 बजे नहीं छोड़ा था, फिर बोला सुबह 7 बजे आया हूँ, कल तहसीलदार भी आया था, तहसीलदार का पैर में पकड़ दिया और तहसीलदार बोला था पुलिस वाले को उड़ीसा वाले को छोड़ दो, किंतु पुलिस वाला अभी तक हम नहीं छोड़ने का, बोला 3 बजे आओ, 5 बजे, ऐसा ही नाटक करता है। जाँच कर लो भी, अपना सब नाम लिखा है खाता में, कोविड डबल डोज टीका ठीक है, किसी का कम नहीं, जितना यात्री आया था 60-62 आदमी सबका डबल डोज टीका है। नाम करना है तो ऋषिकेश में नाम कर देने का, हम नहीं आने का, 19 किलोमीटर आएगी आपको जाने का, कितना दुख लगेगा, वो परिवार लेकर सार आया था। तो बता दें ई पास से तीर्थयात्रियों के लिए परेशानी हो रही है तीर्थयात्रियों को, और ऐसे में बद्रीनाथ जाने से तीर्थयात्रियों को रोका जा रहा है। तीर्थयात्रियों का लगातार कहना है कि ई पास का पहले तो कोई जिक्र नहीं किया जा रहा था, और रास्ते में जब पांडुकेश्वर में चेकिंग की जा रही है तब ऐसे में जिन तीर्थयात्रियों के पास ई पास नहीं है वहाँ उनको तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार प्रशासन की तरफ से चेकिंग की जा रही है, और ऐसे में जिनके पास ई पास नहीं है उन्हें आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस की गढ़वाल मंडल मीडिया प्रभारी गरिमा मेहरा दसौनी और पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण ने उत्तरकाशी के जनपद मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उत्तराखंड सरकार की विफलताओं की कई मुद्दों पर अपनी बात भी रखी। वहीं पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण ने देवस्थानम बोर्ड, बेरोजगारी, महंगाई, मुख्यालय में बस अड्डे, पार्किंग और जल विद्युत परियोजनाओं, नमामि गंगे में भ्रष्टाचार और PMGSY की सड़कों में अनियमितताएं जैसे कई विभिन्न मुद्दों पर जमकर बीजेपी सरकार को घेरा। वहीं गढ़वाल मीडिया प्रभारी गरिमा मेहरा दसौनी ने उत्तराखंड सरकार की विफलताओं और पूर्व की कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों को गिनाकर जनता से के सामने रखा और उसके बाद उनको विकास पर परख सरकार चुनने का अनुरोध भी किया है। बेरोजगारी में इस सरकार ने सर्वोच्च पहुंचाया, उत्तराखंड को शर्मसार कर दिया, चाहे गंगा मैया को बदनाम करने की बात हो, कुंभ को बदनाम करने की बात हो, महंगाई में हमारी औसत महंगाई देश की 3.6 थी मई 2021 में और हमारी 4.9 थी। तो जो भी आंकड़े मैं रख रही हूँ बहुत जिम्मेदारी से रख रही हूँ आपके सामने, हमने ये वादा किया है प्रदेश के युवाओं से कि हम इस प्रदेश को मॉडल प्रदेश बनाएंगे, रोजगार के क्षेत्र में हर हाथ को काम देंगे, चाहे वो सरकारी नौकरी के जरिए हो, चाहे वो स्वरोजगार के
जरिए हो, चाहे फिर वो न्याय योजना के तहत उस अम्ब्रेला में उनको लेकर लेने की बात हो। 72,000 की हमारी जो न्याय योजना है वो हम जरूर उसमें क्रियान्वित करेंगे। और आगे भी आप देखेंगे कि हमारा जो मैनिफेस्टो बनेगा उसका फोकल पॉइंट महिला होगी। पहले की भी जो हमारी सरकारें रही उन्होंने महिला सशक्तिकरण की दिशा में बहुत काम किया है, जिसको ठंडे बस्ते में वर्तमान सरकार ने डाल दिया। अभी हम जब 2022 में आएंगे हम फिर से महिलाओं को केंद्र बिंदु बनाकर उनके चारों तरफ अपनी योजनाओं का और घोषणाओं का ताना बाना बनाएंगे। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन रहेगा मैम? मुख्यमंत्री का चेहरा हमारे वहाँ घोषित नहीं किया जाता। हमारे वहाँ जो पार्टी की रीति नीति और परंपरा है वो है कि पहले चुनाव में जाया जाता है और विधानमंडल दल अपना नेता चुनता है। इसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे आप? हम विकास के नेतृत्व में, हाथ के पंजे के नेतृत्व में हमने बहुत सारा विकास किया है। हमने पिछले दिनों आपने देखा पंडित नारायण दत्त तिवारी जी की 5 साल की सरकार के समय पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यहाँ हुआ, जो मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, सिडकुल, पिटकुल, उपनल, ये सब स्थापित हुए यहाँ के युवाओं के लिए, उसकी बात लेकर जाएंगे। जो हमने माननीय हरीश रावत जी के कार्यकाल में उत्तराखंडियत की बात करी, पायलट प्रोजेक्ट्स हमने लॉन्च करे, उसकी बात हम लेकर जाएंगे। जो हमारी केंद्र की सरकार ने, मनमोहन सिंह सरकार ने, जो आज कोरोना संकट काल में संकट मोचक की तरह सामने आया है, मनरेगा का जो किसानों की कई समस्याओं को लेकर आज भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने शुगर मिल जोईवाला में प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। किसान नेता हरेंद्र बालियान ने कहा कि किसानों की मुख्य मांगे मिल का मरम्मत कार्य 1 नवंबर तक पूरा किया जाए, ये मांगे हैं, और नए पेराई सत्र को 15 नवंबर तक शुरू किया जाए। वहीं डीजल और दवाई, मजदूरी, कृषि उपकरण आदि के मूल्य में वृद्धि को देखते हुए गन्ने का मूल्य 450 रुपये प्रति क्विंटल से ज्यादा तय किया जाए। वहीं जिलाध्यक्ष किसान यूनियन सुरेंद्र खालसा ने कहा कि पहले 2 पखवाड़े में जोईवाला सोसाइटी को इंटेंट में प्राथमिकता दी जाती थी, जिससे किसान समय पर गेहूँ की बुआई कर सके और मिल में किसानों के लिए कैंटीन, विश्राम गृह और शौचालय की व्यवस्था की जाए और यहां पर यार्ड को पक्का भी किया जाए। जो पिछले दिनों 7 सूत्रीय मांगों को लेकर के मिल को एक नोटिस दिया था, उस पर मिल प्रशासन की ओर से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। जो कि गन्ने का रेट 450 रुपये प्रति क्विंटल था और किसानों को यहाँ जब किसान ट्रैक्टर ट्रॉली बैलगाड़ी और अपने साधन लेके यहाँ गन्ना लेकर के आता है, उसके लिए बैठने की, आराम करने की, खाने की कोई व्यवस्था नहीं है मिल की तरफ से, जो अन्य फैक्ट्रियों में की जाती है। इसी तरह की 7 मांगे हैं जो कि अभी तक एक भी मांग नहीं मिल प्रशासन ने मानी है, और उसी के आज इनके संज्ञान में लाने के लिए कि जो हमारे 30 दिन पूरे हो चुके हैं, इसके अलावा अगर ये नहीं मानेंगे तो हम आगे अपना जो है अनिश्चितकाल धरना देंगे। पर को यहाँ पर 7 सूत्रीय मांग का नोटिस दिया गया था, जो उसको आज 30 दिन पूरे हो चुके हैं, उसमें यहाँ के प्रबंधक के द्वारा कोई भी संज्ञान में कोई कार्य नहीं लिया गया है। उसको लेकर आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, वार्ता करते हैं प्रबंधक द्वारा से, जो उन पर 1 हफ्ते का समय ये किसान और दे रहा है। 1 हफ्ते के बाद अगर इन पूरी मांग 7 सूत्रीय मांगों पर कोई कार्य नहीं किया जाता है तो किसान 7 दिन के बाद यहां पर धरना रखने के लिए बाध्य होगा। अब खबर हरिद्वार से है, जहां भद्रबाद किंद्रा कॉलोनी में मामूली कहासुनी को लेकर एक युवक ने दूसरे युवक पर नुकीले हथियार से हमला कर दिया। इस हमले में युवक को गंभीर चोट आई है। स्थानीय निवासियों ने घायल युवक को 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल भिजवाया। बता दें कि एक युवक को पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया है, जबकि मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। वहीं थाना अध्यक्ष भद्रबाद संजीव थपलियाल ने बताया है कि मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही मुख्य आरोपी को भी पकड़ लिया जाएगा। अगली खबर डोईवाला से है, जहां देर रात्रि लच्छीवाला टोल बैरियर पर एक बस और 2 ट्रकों की भिड़ंत की वजह से टोल पर तैनात कर्मी बुरी तरह से घायल हो गया, जिसको तत्काल इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। गनीमत ये रही कि टोल पर रात को ज्यादा कर्मचारी नहीं थे, नहीं तो कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं दुर्घटना से टोल पर भी काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में ट्रक ड्राइवर टक्कर मारने के बाद मौके से फरार हो गया। ग्यारह बजे की घटना है जी। आगे ये वोल्वो बस थी तो इसमें फास्टैग नहीं हो रहा था, लड़का फास्टैग कर रहा था,
पीछे से ट्रक आया तो इसने सीधा टक्कर मारा और उसके पीछे एक गाड़ी और थी, उसने टक्कर मारी तो हमारा लड़का भी बाल बाल बचा है, उसके भी काफ़ी चोटें आई हैं। ये हुआ ड्राइवर रात को तो उतर के भगे ट्रक के मारे, बाकी दिखे नहीं अभी तक यहाँ पर, पुलिस में करवा दी करवाई दी। टोल टैक्स में बढ़ोतरी करने के विरोध में आज सिटी बस संचालकों की हड़ताल पुलिस और कांग्रेस नेताओं की मध्यस्थता के बाद स्थगित हो गई है। बता दें यूनियन की तरफ से बताया गया है कि टोल संचालक द्वारा पूर्व के निर्धारित दरों पर ही टोल लेने की बात मान ली गई है, जिस पर हड़ताल स्थगित कर दी गई है। ऐसे में यूनियन के अनिल सैनी ने बताया कि लगातार डीजल और अन्य कीमतें बढ़ती जा रही है, जिस पर टोल टैक्स की कीमत बढ़ने से परिवहन व्यवसायियों पर भी ज्यादा भार पड़ता जा रहा है, जिस वजह से आज हड़ताल की घोषणा की गई थी, लेकिन टोल संचालक के द्वारा पूर्व के निर्धारित राशि लेने के आश्वासन पर हड़ताल को स्थगित कर दिया गया है। कि पिछले दफे जो ठेकेदार थे जो उनसे बातचीत हुई थी जो बैरियर के, तो वो ये हुआ था तय कि भाई जो सिटी बसें हैं क्योंकि हम 9 किलोमीटर चल पाते हैं इनके रोड पे, तो हमारा जो है पर मंथ का उन्होंने 2100 रुपया तय हुआ था पिछली बार। तो इस बार जो है नए कॉन्ट्रेक्टर आए तो वो कहने लगे नहीं साहब 2100 दी हम तो 4200 रुपये लेंगे। तो इस संबंध में फिर सिटी बस मालिक सब इकट्ठे हुए, बातचीत हुई, हमने कहा भाई इस स्थिति में हम नहीं हैं, तेल के दाम बढ़ते हैं सभी, हम तो जो 2100 रुपये आपको दे भी रहे थे वो भी हमने यात्रियों पे नहीं डाला, जो सवारी है उन पे भी नहीं डाला था, उसे खुद बियर कर रहे थे, तो आप इसे 2100 रुपये रखें ताकि अनावश्यक बोझ हम पर ना पड़े। तो खैर आज काफ़ी बातचीत हुई तो उसके बाद वो इस बात पर सहमत हो गया कि चलिए साहब 2100 रुपया ही जो आप पिछला दे रहे थे वही लेंगे। एक आध मुद्दा हमारा रह गया है तो उसके लिए ये हुआ कि भाई ये बैठ के हम एक आजकल में बैठ के उसे निपटा लेंगे, तो हमारा जो था धरना वो समाप्त हो गया था। देवभूमि उत्तराखंड की यात्रा पर निकले देश के सबसे प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु सदगुरु जग्गी वासुदेव आज सुबह केदारनाथ धाम पहुंचे। यहां पर पहुंचने पर उन्होंने बाबा के जयकारे लगाया और मंदिर के बाहर से ही बाबा के दर्शन ही किए। इस दौरान उन्होंने देखने के लिए भक्तों का जमावड़ा वहां पर इकट्ठा हो गया। बता दें कि प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु सदगुरु जग्गी वासुदेव देवभूमि उत्तराखंड की यात्रा पर निकले हैं और वो आज सुबह हेली सेवा के जरिए केदारनाथ धाम पहुंचे। आज से ही बाबा केदार के लिए 5 हेली सेवा कंपनियों ने सेवाएं भी शुरू कर दी हैं। वहीं केदारनाथ हेलीपैड पर पहुंचने के बाद आध्यात्मिक गुरु धीरे धीरे पैदल होकर बाबा केदार के दरबार पर पहुंचे, उनके साथ उनके शिष्य भी मौजूद रहे। राज्य सरकार की हट धर्मिता के चलते एक बार फिर से उत्तराखंड विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संकर मोर्चा ने 5 अक्टूबर से हड़ताल पर जाने का अल्टीमेटम सरकार को जारी कर दिया है। साथ ही जनता के नाम खेद पत्र जारी करते हुए कहा गया है कि सरकार के द्वारा उनकी मांगों की अनदेखी की वजह से वो लोग हड़ताल पर जाने को विवश हैं, इसीलिए हड़ताल के दौरान जनता को विद्युत आपूर्ति संबंधी होने वाली परेशानियों को देखते हुए आम जनता से माफी भी मांगी गई है। वहीं विद्युत उप वितरण खंड के उपखंड अधिकारी अतुल कुमार ने बताया है कि राज्य स्थापना के उपरांत 21 सालों में विद्युत कर्मियों ने राज्य हित में कभी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल नहीं की, लेकिन राज्य सरकार और नौकरशाहों की हट धर्मिता की वजह से उत्तराखंड राज्य के समस्त विद्युत कर्मियों को ना चाहते हुए भी हड़ताल पर जाना पड़ रहा है। उत्तराखंड विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने सरकार को चेताया है कि 27 जुलाई 2021 को हुए समझौते के अनुसार 5 अक्टूबर 2021 तक शासन द्वारा विद्युत कर्मियों की मांगों पर कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं होने की दशा में संपूर्ण राज्य में 6 अक्टूबर सुबह 8 बजे से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के विवश होगा। हमारा पिछले 27 जुलाई 2021 को सरकार और प्रबंधन के बीच में द्विपक्षीय वार्ता हुई थी, उसमें हमें 15 से 30 दिन का टाइम दिया गया था उन्होंने समझौते के लिए, तदुपरांत हमने आंदोलन को वापस लिया गया था। इसी क्रम में 2 महीने बीत जाने के बाद भी फिर दोबारा से हमने इसको 27 जुलाई 2021 समझौते को, अगर ये 5 अक्टूबर तक हमारा समझौते की जो हमारी 14 सूत्रीय मांगे हैं ये पूरी नहीं होगी तो हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व है उसके दिशा आदेशानुसार हम 6 तारीख में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। इसी क्रम में हमारे 4 तारीख में श्रीनगर में रैली का प्रोग्राम भी है,
जिसमें लगभग 1500 से या 2000 कर्मचारियों के एकत्रित होने की संभावना है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आज डोईवाला में कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर अपना काम किया, तो वहीं उन्होंने सरकार को चेताया कि यदि सरकार ने पुरानी पेंशन बहाली नहीं की तो आगे बड़ा आंदोलन भी किया जा सकता है। राष्ट्रीय आंदोलन उत्तराखंड के जनपद देहरादून मीडिया प्रभारी चेतन प्रसाद कोठारी ने बताया कि पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन MNOPS उत्तराखंड पुरानी पेंशन बहाली के लिए लगातार आंदोलन करत है। इसी क्रम में आज प्रदेश के समस्त कर्मचारी अधिकारी पुरानी पेंशन बहाल किए जाने के लिए काली पट्टी बांध का विरोध कर रहे हैं। तो बता दें, डोईवाला में पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए कर्मचारियों की तरफ से यह आंदोलन किया गया। तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से काली पट्टी बांध कर सभी कर्मचारियों ने यह आंदोलन किया, विरोध किया, और ऐसे में कहा कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तो आंदोलन करने के लिए हम मजबूर होंगे। सभी कर्मचारी वहां पर हाथों में काली पट्टी बांधते हुए नजर आए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल तो इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।